रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, सो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्विपार्टीशन थ्योरम को। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्विपार्टीशन थ्योरम, एंड आई डोंट नो कि ये पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा। ओके, सो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है इक्विपार्टीशन थ्योरम को। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में ही नहीं, जहाँ पर भी हम लोग पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इसे क्लासिकल मैकेनिक्स में भी किसी हद तक एम्प्लॉय किया जा सकता है, कॉन्फिग्रेशन स्पेस के अंदर, इसके अलावा इसको क्वांटम मैकेनिक्स की जो फेज स्पेस है, फेज स्पेस वहाँ पर भी इंक्लूड किया जा सकता है। एटॉमिक फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, कंडेंस मैटर सिस्टम्स के अंदर भी, और मतलब हर वो जगह जहाँ पर हमें पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन से वास्ता पड़ता है, वहाँ पर हम इक्विपार्टीशन थ्योरम को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर पार्टिकल फिजिक्स की कुछ अप्रोच में फील्ड पार्टिकल फिजिक्स को असल फील्ड थ्योरी के जरिए स्टडी किया जाता है, क्वांटम फील्ड थ्योरी के जरिए। तो वहाँ पर कुछ जगहों पर हम इसको एम्प्लॉय करते हैं, मतलब हर जगह नहीं लेकिन कुछ जगहों पर इस इस्तेमाल होता है। ये बहुत एक फंडामेंटल थ्योरम है फिजिक्स का, लेकिन चूंकि स्टेटिस्टिक्स इसकी जो बेसिस है वो स्टेटिस्टिक्स है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट हैं या पार्टीशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए इसको स्टेटिस्टिकल में स्टडी किया जाता है। इसको कुछ डिस्क्राइब तो मैंने वैसे यहाँ पर किया है कि ये बेसिकली एक जनरल फॉर्मुलेशन है, किसी भी सिस्टम यानी कि सिस्टम के टेम्परेचर को उनके एवरेज एनर्जीज के साथ एसोसिएट करते हैं। अब अभी हम स्टेटमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। शुरू में कुछ चीज़ें वैसे लिखी हुई हैं जिसको डिराइव करने के दो तरीके यूजली स्टेटिस्टिक्स की बुक्स में लिखे जाते हैं। एक तरीका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू है और दूसरा पार्टीशन फंक्शन के थ्रू है। आपकी ब्लंडरली बुक में वैसे दोनों ही तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन चूंकि हमने ऑनलाइन सेमेस्टर की वजह से बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक किया है, लिहाजा हमने पार्टीशन फंक्शन वाली अप्रोच को डिस्कस नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी टेक्निकल है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस के थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर कुछ कुछ सबिलिटीज हैं। बहरहाल हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को के जरिए इसको ड्राइव करेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। अच्छा, जहाँ तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है। स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इस वर्ड के ऊपर फोकस कर लेते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसको DOF भी लिखा जाता है। हाँ जी, क्या होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? कहीं पढ़ा है आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में, शायद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने स्टडी किया हो। किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं वो उसकी कहलाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल जबरदस्त, एक्सीलेंट। सो यानी कि वो जी, हाँ एग्जैक्टली, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक, हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि 3D बॉक्स है, इसके अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो एक्स में भी जा सकता है, वो वाई में भी जा सकता है, वो जी में भी जा सकता है। इसका मतलब है कि इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अब ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। क्लियर? क्योंकि वो तीनों इंडिपेंडेंट है, एक काइनेटिक एनर्जी एक्स के लॉन्ग है, एक वाई के लॉन्ग है, एक जी के लॉन्ग है, ऐसे ही। सो बेसिकली इस चीज़ को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं, जितने भी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। जबरदस्त। सो इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहता है कि जितने भी इसकी पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी और जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी, वो उन तमाम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर? कि जितनी पॉसिबल एनर्जी है और जितनी एक्सेसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्सेसिबल नहीं होती,
हमारे पास अगर टाइम होता तो हम इसको बहुत डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐसी होती हैं जो जो बेसिकली जिनको आप फेक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं होती, वो इनएक्सेसिबल होती हैं। लेकिन ऑल दो हम यूएरी जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या क्लासिकल मैकेनिक्स में या इवन स्टेटिस्टिक्स के अंदर भी, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस करते हैं वो यूजली एक्सेसिबल ही होती है, हमें कोई भी नॉन एक्सेसिबल नहीं होती। लेकिन इन जनरल फिजिक्स में नॉन एक्सेसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी एक्सिस्ट करती है। बारह, किसी सिस्टम के पास जितनी भी एक्सेसिबल डी ओ एफ है और उस सिस्टम की जो एनर्जी है, तो लेट्स सपोज कि वो एनर्जी के बराबर है और सिस्टम के पास तीन डी ओ एफ है, तो ये एनर्जी इन तीन डी ओ एफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये इक्विपार्टीशन थ्योरम है। अब ये एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, अब ये एक अहम सवाल है कि कितनी एनर्जी उसमें, कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ से जो एनर्जी पॉइंट हो रिपीट कीजिएगा, जी, अब एक आपके पॉइंट पास, रिपीट कीजिए। अच्छा लेट्स सपोज कि आपके पास किसी सिस्टम की एनर्जी के है और तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये जो के होगा ये तीन हिस्सों में इक्वली डिवाइड होगा, इसको मैं अल्फा बीटा और गामा कह देता हूँ, तीन स्टेट्स हैं ये। के इन तीनों स्टेट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां तक क्लियर है बात? अच्छा अब अगला सवाल ये कि ये मिनिमम कितना, इस के की वैल्यू क्या होगी, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई भी कंटिन्यूम हो वैल्यू उसका, उसकी उसके ब्रांड उसके तीन हिस्से हो जाए, तो उसकी कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू तो होगी जिससे कम एनर्जी नहीं हो सकती। वो जो एनर्जी होती है असल में, वो एनर्जी लिंक कर रही होती है टेम्परेचर के साथ। अभी हम इसको डेरिवेशन ड्राइव करेंगे तो आप देखेंगे, इस वजह से हमने यहाँ पर जो शुरू वाली स्टेटमेंट अब उसको देखें जो मैंने शुरू में क्लियर की, इट इज अ जनरल फॉर्मुलेशन दैट रिलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विद इट्स एवरेज एनर्जीज। एवरेज एनर्जीज कहाँ से आती हैं, जो तमाम एक्सेसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, टेम्परेचर उन एनर्जीज के साथ लिंक करते हैं। क्लियर? वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है अब, यानी कि उतनी काइनेटिक एनर्जी या जो भी एनर्जी है, लाजमी नहीं कि वो काइनेटिक, वो पोटेंशियल भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो एनर्जी जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स हो रही है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हो रही है। ठीक है, क्लियर यहां तक? सो जी ये सर, बेसिकली आइडिया है इक्विपार्टीशन थ्योरम का। अब हम इसके इसको देखते हैं हम डिराइव इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिराइव करेंगे, ये रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है इसकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो अगर आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेनी है तो आपको पता है कि सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर आपने एवरेज करना है, और अगर काइनेटिक एनर्जी की एवरेज लेनी है तो स्पीड, किसी भी चीज़ की एवरेज लेने के लिए हम यूजली उसको उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपने एक्स की लेनी है तो आप एक्स को पी ऑफ एक्स और डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हमने जैसे तीसरे थर्ड चैप्टर में देखा था। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन है, लिहाजा यहाँ पर स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो हाफ एम यू ऐसे ही आ गया। लिमिट्स इसके 0 से इन्फिनिटी हम इसलिए लगा, इसकी दो रीजन थे। सबसे आसान रीजन तो ये कि वेलोसिटी जो होगी वह बस नेगेटिव में नहीं हो सकती, स्पीड है, स्पीड पॉजिटिव होगी। अगर ये वेक्टर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती तो फिर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेता और देन उसको उसको हम दो इंटीग्रल्स बना के आगे डिवाइड कर लेते, लेकिन चूंकि स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होनी है, चाहे वो लेफ्ट की तरफ जा रही हो, राइट की तरफ जा रही हो, और वो मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकती है। तो लिहाजा इस पे जो अपने लिमिट्स अप्लाई करनी है, बाउंड्स अप्लाई करनी है, वो 0 के इन्फिनिटी की होंगी। तो ये आपने यहाँ पर लिख लिया है, देन इसके अंदर आप एफ ओ वी का एक्सप्रेशन अप्लाई कर दें, कॉन्स्टेंट सारे मैंने बाहर लिख लिए हैं, तो वी स्क्वेयर इस वी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वी 4 बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल वैसे ही आ गया। अब अगेन ये भी एक ये एक और ये एक टाइप है, ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल है।
इस तरह के एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिनमें जैसे गामा फंक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे बीएससी में, बीटा फंक्शन है, इसी तरह बेसल फंक्शन होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स इनको ड्राइव करने की। लेकिन हम इनको ड्राइव नहीं करते, हम यूज इस तरह के इंटीग्रल्स को डायरेक्ट इनके फॉर्मूलाज यूटिलाइज कर लेते हैं। सो अगर हम आपको पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं तो डेफिनेटली या तो फार्मूले गिवन होंगे, या आप उनको को लिखा होगा कि किस तरीके से आपने करना बार है। सो इस यहाँ पर मैंने एक जनरल आइडिया फार्मूला लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होता है, ये डबल फैक्टोरियल है। डबल फैक्टोरियल आप तो देख लीजिए कैसे एवेलुएट करना है, ये आप कर सकते हैं बार है। अच्छा, अगर हम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर आ रहा है वी की पावर 4, तो असल में आपके पास एक्स बराबर है वी के, एस बराबर है 2 के, और यहाँ पर अल्फा में है, तो मैंने इधर अल्फा लिया हुआ है, और अल्फा आपके पास बराबर आ रहा है m बाई 2 के। ठीक है, तो सिर्फ इस एक्सप्रेशन में सारा कुछ इंसर्ट कर दें, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये हमने इसके सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 3/2, और ये बार एक्सप्रेशन आ जाता है। वैल्यूज कैसे पुट की हैं? ये देखें, हमें पता है कि ये वाला इंटीग्रल इसके बराबर है, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इन दोनों इंटीग्रल्स में आपके पास एक्स वी के बराबर है, एस टू के बराबर है, और अल्फा इसके बराबर है। यहाँ से तो इस इंटीग्रल में जहाँ जहाँ पर एस और अल्फा आ रहे हैं वो इंसर्ट कर दें, ये भी अल्फा है। ठीक है, वो हमने इंसर्ट कर दी सारी वैल्यूज, तो असल में ये इंटीग्रल आपके पास इसके बराबर बन गया, 2s-1, 4-1, 3 फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, 2+1, 3, 2^3, 8, और α^s, सो m/2 kT स्क्वेयर, और π/α, सो 2π kT/m² रूट। देन इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें, तो ये जो चीज़ है ये सारी चीज़ मैं इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यस इसके बराबर है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए कैसे यहाँ करना है इसको। यहाँ तक कोई मुश्किल? सो आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, ये वापस से क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इंसर्ट कर दिया है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स एज इट इज यहाँ पर आ रहे हैं। इसको और जो चीज़ें करती हैं उनको काट लें, जो नहीं करती उनको भी रहने दें। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फैक्टर आ जाएगा 3/2 kT, और यहाँ पर जो k है ये असल में बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है। अगर आप 3D के अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ली थी ये 3D में ली हुई है, अगर आप 1D में काम कर रहे हो तो यहाँ पर 1/2 का फैक्टर आ जाता है। सो इन जनरल हम इस चीज़ को लिखते हैं n/2 kT, यानी कि किसी भी सिस्टम में इन जनरल n/2 kT डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं पर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर उसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो उसकी एनर्जी असल में 3×1/2 kT होगी। अगर उसमें अगर सर उसके अंदर 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी एनर्जी 1/2 kT होगी। इसी तरह अगर 2 है तो वो 1 kT के बराबर होगी। क्लियर? तो यहाँ पर चूंकि सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी थी इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी कह दिया है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग इसी तरीके से यू भी इवेलुएट करना पड़ेगा। और लेकिन बार ये जी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे 3 है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर हाँ, रहा है। एग्जैक्टली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसको इसलिए हमने इसको इन जनरल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आमतौर पर कुछ बुक्स में ना इसको एन की जगह एफ से लिखा जाता है, कुछ बुक्स अगर आप देखें तो कुछ बुक्स इसको एफ से रिप्रेजेंट करती हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। तो बार मतलब उस बात का एक ही है। क्लियर? कोई इशू यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? सो ये दोनों इक्वेशंस कह रहा था आपके पास एक पार्टीशन थ्योरम, दिस 1/2 इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी शेयर्ड इन अ डिग्री शेयर्ड टू अ डिग्री ऑफ फ्रीडम टू एन एक्सेसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय एनी सिस्टम। इसको अगर हम करना
चाहें तो हम शुरू से ही इसको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना शुरू से ही। उसके लिए आपको ये जो हमने यहाँ पर ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको दोबारा से देखना पड़ेगा। ये हमने 3D के लिए डिराइव की हुई है, और लेकिन वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं उसमें। मेरे ख्याल में एक तो यहाँ पर ये 3/2 के फैक्टर का इशू आएगा, और कुछ कांस्टेंट चेंज होंगे, सो 1/2 आ जाएगा। आपकी बुक में जो पार्टीशन फंक्शन थे, मेरे ख्याल में उन्होंने डेरिवेशन की हुई, उसमें शायद 1/2 के 8 ही आते हैं, लेकिन जो मैक्सवेल के लिए वो शायद 3/2 के साथ हैं। बुक में ना उन्होंने नंबर ऑफ पार्ट जो यूज किए हैं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 1 यूज किया हुआ है, उसके लिहाज से उन्होंने किया हुआ है। हाँ, तो वो उसको उससे खैर, हाँ तो बिल्कुल, जिस तरह हमने 3D की उसी तरीके से हम 1D की कर सकते हैं, बहुत ईजी। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का अगर है तो पूछ रहे हैं, कोई और क्वेश्चन है तो अब हम वरना फिर इसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जो आप लोगों को एप्लीकेशन करवाऊंगा, ये बहुत ट्रिवियल एप्लीकेशन हैं। आमतौर पर इक्विपार्टीशन थ्योरम के जरिए हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एप्लीकेशन करवा रहा हूँ। वजह उसकी वही है कि हमारा कोर्स बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स कर गया है, ऑनलाइन और फिजिकल के चक्करों में, या पेपर जल्दी होने की वजह से। बहरहाल, सो इसकी एप्लीकेशन हम लोग, पहली एप्लीकेशन है कि 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी होगी। अच्छा, ये ना बड़ा मजेदार सवाल है, क्योंकि जब आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, वहां पर भी इक्विपार्टीशन थ्योरम दोबारा आएगा। तो बहरहाल, इसको तो हम क्लासिकल के तरीके से कर लेंगे। ये सारी चीजें आपको पता है कि इसकी एनर्जी P²/2m होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होती है, और फोर्स जो लेते हैं आप एवरेज फोर्स लेते हैं, और एवरेज फोर्स इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने FSC में भी की हुई है, तो सारा कुछ करने उसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर बन जाती है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो असल में सम होती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मोमेंटम के, ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, क्योंकि स्क्वायर जो स्क्वायर की टर्म्स होती है उनको क्वाड्रेटिक टर्म्स कहा जाता है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी क्वाड्रेटिक बिहेवियर शो करती है। क्वाड्रेटिक बिहेवियर का मतलब ये होता है उनका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक बनता है, यू शेप में। अब परफेक्ट यू शेप नहीं होता, और एक बार पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं इसको, जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होते हैं, और ये सिमेट्रिकल भी होते हैं। अच्छा, बार अगर आपने एवरेज लेनी है तो 2m कॉन्स्टेंट के तौर पर आ जाएगा। हम एवरेज क्यों ले रहे हैं बार बार, क्या कुछ बता सकते हैं? सर, क्योंकि यहाँ पे ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते ना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इसलिए हम उसकी कोई स्पेसिफिक सूटेबल वैल्यू लेना चाहते हैं सर। उसके अलावा कोई और रीजन? ठीक है, ये भी ये रीजन ठीक है, लेकिन कुछ और? क्योंकि हम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स में कुछ भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, हर चीज प्रोबेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। जहां पर प्रोबेबिलिटीज आती है वहां पर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यूज चाहिए होती हैं, सब उस वजह से हम एवरेज दे रहे हैं जो स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, बाहर हमने पी और एक्स की एवरेजेस ले ली है, अब यहाँ से यहाँ तक कैसे आना है ये आप लोगों ने कुछ सोचना है। बहरहाल, ये जो एक्सप्रेशन बनता है, अगेन ये भी 1/2 kT के बराबर बनता है, ये भी 1/2 kT के बराबर बनता है। रीजन इसकी वही है, इक्विपार्टीशन थ्योरम वाली, कि एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने है, चाहे जो मर्जी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही हो, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल सिस्टम है। आप एक्स एक डायमेंशन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी एक डायमेंशन के लॉन्ग मोमेंटम ले रहे हैं, तो बेसिकली आप इसको पी ऑफ एक्स कह रहे हैं। तो एक एक किसी एक के अलॉन्ग जो होगी एनर्जी वो 1/2 kT होगी। इसी तरह का वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पे, तो भी उसने मिनिमम तो इतना ही होना है। अगर ये सिस्टम 3 डायमेंशनल होता तो फिर आप यहाँ पर 3/2 kT और 3/2 kT लिख देते। सो उसी आइडिया को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर उसकी एनर्जी लिखनी है, इसको ऐड कर लिया, आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी इसके बराबर होती है, उसकी वजह यह कि इसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक आती है काइनेटिक से और एक आती है पोटेंशियल से। क्लियर? अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन करते हैं कि 3D है, सो 3D में ये बन जाता 3/2 kT, और ये बन जाता 3/2 kT, तो ये आपके पास आ जाता 3 kT।
अच्छा, इसी तरह अगर किसी, यहाँ पे हम एनर्जी दोनों एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी को भी और काइनेटिक एनर्जी को, तो बिल्कुल ये इसीलिए आया है मतलब 2 दफा 1/2 के हाँ डिफरेंस, जी 1/2 के। जी इसी तरीके से हम किसी गैस की मेन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखें, क्योंकि हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए देखा था कि गैस रैंडमली मूव कर सकती है 3D के अंदर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तीनों डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। तो आपने px एक्स स्क्वेयर प्लस टू बाई टू एम प्लस पी वाई स्क्वेयर बाई टू एम प्लस पी वी स्क्वेयर बाई टू एम तीनों में लिख दिए। इसके अलावा एक पार्टीशन थ्योरम के मुताबिक मिनिमम एनर्जी के हाफ के टी के बराबर होगी, तो पी एक्स के अलावा भी हाफ के टी है, वाई के अलावा भी हाफ के टी है, वी के अलावा भी हाफ के टी है। तो आपके पास टोटल एनर्जी बन गई अकॉर्डिंग टू एक पार्टीशन थ्योरम 3/2 kT। अब चूंकि ये एक आइडियल और मोनाटॉमिक गैस हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसकी जितनी भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक होती है। और उसमें ना तो रोटेशनल कंपोनेंट्स हम इंक्लूड कर रहे हैं, ना ही वाइब्रेशनल कर रहे हैं। बेसिकली तीन तरह की एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती हैं, तीन तरह के मोड्स होते हैं एनर्जी के, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। हमें वैसे रोटेशनल को भी डिस्कस करना चाहिए था, वाइब्रेशनल बहरहाल इस लेवल पे डिस्कस नहीं किए जाएंगे। हमें रोटेशनल को करना चाहिए था, इसमें जो एनर्जी आती है अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, कई अच्छी चीज़ है। रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो उसमें भी जब आप ओमेगा स्क्वायर पे लेंगे एवरेज, तो एनर्जी उसमें भी हाफ के टी ही जाने से ज़्यादा नहीं जा सकती। बारह आपके पास 3/2 kT की एनर्जी आ गई है ट्रांसलेशन और मोनोटॉमिक गैस में। अगर आपने मीन एनर्जी फाइंड करनी है तो आप के पास ये फार्मूला है कि उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये मीन एनर्जी पर मोल निकल आएगी। तो असल में ये काम ये होता है, हम ये चीज़ फाइंड कर रहे हैं, ये मीन एनर्जी पर मोल है। तो जो आपने एन ए उधर मल्टीप्लाई कर दिए है। अच्छा, ये जो के एन ए का फैक्टर होता है ये इसके बराबर आता है। अब ये कैसे आता है ये मुझे भी इस वक्त याद नहीं है। 12वीं केमिस्ट्री में फार्मूलाज आप लोगों ने सारे पढ़े हुए हैं, 12e 3/2 RT आ गया है। अगर आपने इसकी स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है तो इसका डिफरेंशिएट कर दें टी के लिहाज से। ये अगेन एक फैमिली रिलेशन आ गया है, ये पढ़ा हुआ है रिलेशन आप लोगों ने। जी सर, सो एक्विपार्टीशन थ्योरम ये बेसिकली शो करता है कि ये चेक के एक्विपार्टीशन थ्योरम पे, क्योंकि एक्विपार्टीशन थ्योरम ठीक काम कर रहा है। तो असल में इस रिलेशन के आने के पीछे वजह एक्विपार्टीशन थ्योरम है। ये कन्वर्ट हो गया है, दूसरा कांस्टेंट जो है वो के से टी और के से आर की तरफ। हमने के एन ए को आर आर कह दिया है, ये इसके बराबर होते हैं। ये जब हम बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डेफिनेशन है कि के इज इक्वल टू आर ओवर एन ए। अब ये मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि ये कहाँ किस तरीके से रिलेशन आता है, लेकिन बार आप जब कौन सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को सॉल्व करें तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है आखिर में आर ओवर एन ए की फॉर्म में। उस कांस्टेंट को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम देते हैं। लेकिन इसको केमिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक भी किया जा सकता है, आई गैस आइडियल गैस इक्वेशन से शो, लेकिन मुझे भी याद नहीं कि कैसे किया जा सकता है। वो एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी पी इज इक्वल टू एन के टी, अब पता नहीं कौन सा लॉ है बारे में। हाँ सॉरी, ये इस तरीके से होता है, आ गया याद मुझे कुछ कुछ आपने पढ़ा हुआ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारा काम ये होता है कि हम एन को डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, एन मेरे ख्याल में एन ओवर एन ए के बराबर होता है। हाँ एन एन ओवर एन ए के बराबर होता है। सो नंबर ऑफ मोल्स, तो ये बेसिकली कैपिटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, और सॉरी ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये कंफर्म कर लीजिएगा बार, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। नहीं उल्टा लिख रहा हूँ, ये जो स्मॉल है ना ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये नंबर ऑफ एटम्स है।
और ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर है। सो यहाँ पर इक्वेशन आप इंसर्ट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज बनती है। सो यहाँ पर इस ये जो आर भी कांस्टेंट है और ये तो इसको हम एन के टी का नाम दे देते हैं। तो बहरहाल सो इस तरीके से ये रिलेशन आपके पास आता है। तो उसको आप टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी 3/2 आर बचेगा। मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं करवाया, ये मैंने सिर्फ एक तरह से थानापुरी की है ये टॉपिक कवर करवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली आपको नहीं करवाया, बहुत सारी चीज़ें बीच में स्किप कर दी हैं, बट आई सजेस्ट कि पेपरों के बाद जब भी आपको टाइम मिले तो ये जो चैप्टर्स हम अब कर रहे हैं पिछले 1-2 वीक्स में हमने किए, इनको खुद से लाजमी कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें एक पार्टीशन थ्योरम वाला चैप्टर शामिल है, ये पार्टीशन फंक्शंस हैं, और जो कल का लेक्चर 20 चैप्टर 29 जो हम इंक्लूड नहीं कर रहे पेपर में, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये सारे। सो आप इनको आप पेपरों के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी कीजिएगा, या कि बहुत सारे कोर्स में काम आएंगी चीज़ें। तो मैं फिलहाल यहाँ पर सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ इन चीज़ों का कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस नहीं किया। जिस तरीके से हम लोगों ने शुरू में कुछ टॉपिक्स को लेके चले हैं, या जैसे हम स्टार्ट में पढ़ते रहे हैं, या जिस तरह हमने स्टैटिस्टिकल पढ़नी शुरू की थी, रैंडम वॉक प्रॉब्लम वगैरह, तो लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों को। तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करने लगा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।